नमस्कार दोस्तों, हाल ही के कुछ सालों में भारत का दबदबा स्पेस के फील्ड में काफी हद तक बढ़ा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली मून के साउथ पोल में लैंड करा के एक नया कीर्तिमान रच दिया है। मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग कराने वाला भारत अब अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इन्हीं सब सफलता के बाद जिस देश को अभी तक किसानों का देश कहा जाता था, अब पूरी दुनिया उसी भारत का लोहा अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी मानने लगी है, क्योंकि भारत आज टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी भी देश से कम नहीं है। आने वाले समय में भारत का इसरो कई सारे और स्पेस मिशन को अंजाम देने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में हम उसी मिशन में से एक आदित्य L1 मिशन के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है आदित्य L1 मिशन और कब तक लॉन्च होगा? आदित्य L1 मिशन एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूरज के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट पर जाना है। आपको बता दूं कि L1 पॉइंट सूरज और पृथ्वी के बीच की ऐसी एक खास जगह है, जहां ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साथ काम करते हैं। इस मिशन में साइंटिस्ट्स यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे सूरज की ऊष्मा और वायुमंडल की प्रक्रियाएं हमारे जीवन में और तंत्रिकाओं पर क्या प्रभाव डालती है। साथ ही कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर समस्या को समझने में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि इसरो के चेयरमैन S. सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि आदित्य L1 को सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च करने की तैयारी चालू कर दी गई है। उम्मीद है कि आदित्य L1 अपने मिशन में सफल होगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वर्चुअल सोम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।